आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मोबाइल चेंज किया है मैंने। अस्सलामुअलैकुम वतीफ़ साहब, आई एम सो सॉरी मैं न्यूयॉर्क नहीं आ सकी, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे कज़न के पैर में बहुत स्वेलिंग थी और उनके जो बच्चे हैं वो छोटे थे, तो हमें परमिशन नहीं मिली अकेले आने की वहाँ तक। तो मैं आपको खैर कॉल करती हूँ, क्योंकि जितना प्यार आपने मुझे इस ट्रिप में दिया है ना, जितनी कॉलें आपने की है, बहुत दिल खुश हुआ कि आपने बार बार कहा कि मेरे घर आना, तो माजरत। मैंने कहा चलो आखिरी दफ़ा यहाँ से जाते जाते यहाँ की रोडें दिखा दूँ, फिर हम अपने पाकिस्तान को दिखाएंगे और वहाँ के मसाइल को दिखाएंगे और वहाँ के मसाइल को कोशिश करेंगे कि हम सब मिलके हल करें। ये रही मैं, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं जी? मैं तो वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र, इतना घूमना फिरना, और बस खुश इस बात पे कि अब मैं घर जा रही हूँ, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो शुक्र अब मैं घर जा रही हूँ। बहुत सुकून है आज, थोड़ा यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ के आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शैबी, कैसे हो? दुबई में ही हो तुम? सब घर वाले, बी बच्चे सब ठीक हैं? आपको मेरा बहुत सलाम, गुजरी ईद मुबारक। नहीं, मेरा ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ, मेरा आज लास्ट डे है यहाँ पर और मेरा कल ट्रिप ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह परसों मैं पाकिस्तान होंगी, तो एक महीने का जो ट्रिप है मेरा, पूरे 30 दिन मेरी ज़िंदगी से गायब थे पाकिस्तान से, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि जब जब भी हम लोग काम पे भी जाते हैं तो 15 दिन 16 दिन से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं रहती, तो ये टू मच हो गया, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जहाँ जहाँ गई, जहाँ जहाँ शोज़ किए, तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, होटल बहुत अच्छे मिले, खाने का मुझे लोगों ने इतना डराया था, बल्कि आते हुए तो कहते ना मेरी माँ ने डर के अपनी बैग में क्या क्या डाल दिया था, और यहाँ के माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खाने को मिला कि मैं परेशान थी कि या अल्लाह, मैं तो सोच के कुछ और आई थी कि वहाँ ये नहीं मिलता, वहाँ पाकिस्तानी खाना नहीं मिलता, हलाल का थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। बहुत याद आ रहा है, क्यों नहीं याद आएगा, घर है, लेकिन ये कि याद तो हमेशा आता था, लेकिन ये होता था कि चीज़ें बार बार नहीं होती, तो ज़िंदगी में कहते हैं ये मौके बार बार नहीं आते, जब आए तो आपको फुल एंजॉय करना चाहिए, और मैंने तो ऐसे एंजॉय किया कि पूरा अमेरिका, पूरे अपने लोगों को दिखा दिया, जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़री, ईद मुबारक मेरी जान, कैसे हैं आप, ठीक हैं जी? आपको भी ईद मुबारक। पाकिस्तान में तो ईदें बड़ी मज़े की होती हैं, यहाँ तो मैं जब आ रही थी डैलस से, बोस्टन, बोस्टन से वर्जीनिया, तो मेरी जो ईद थी ना, हाँ वहाँ से, तो मेरी जो ईद थी वो जहाज़ में और एयरपोर्ट पे हुई, और सियाटल से जब मैं निकली हूँ, तो क्योंकि आखिरी शो वहाँ था, तो मैं पूरे 24 घंटे एयरपोर्ट पे ही रही, क्योंकि एक फ़्लाइट डिले हो गई थी, दूसरी मिस हो गई थी, तो हाँ बस इसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन ये कि खैर ईद नहीं होती यहाँ, लेकिन यहाँ ये कि जो घूमना फिरना होता है, जो नई नई जगहें होती हैं और आप जाके देखते हो, तो बस ये होता है कि चलो आपने देख लिया। हाँ पूरा USA। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो असद? बहुत सारा सलाम दुआ, और आप ठीक हो? आपका टूर कब लग रहा है बाहर का? और हाँ अमेरिका तो मुझे लगता है मैंने आधा घूम लिया है, और वो जगहें सियाटल और इसके बाद सन लुइस, और ये वो जगहें थी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, और सियाटल तो इतना खूबसूरत है पूरा, मतलब मुझे लगता है मरी से अब आगे चले जाओ
तो वो पूरे एरिया वैसे ही है, बस डिवेलप बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो आपको ये लगता है कि आप मरी वरी से आगे कहीं चले गए, नारायण का गान चले गए हो, तो ऐसा ही है। और बस मैं कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर से लेके जाए, और सियासी दंगल के जो लोग हैं, सियासी लोग, वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और अल्लाह करे ये सियासत यही ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में जब हम जाएं तो हम दोबारा से नए से कोई नया काम करें अच्छा सा इंशाल्लाह। और खैर बहुत अच्छा काम रहा, मेन चीज़ मेरे लिए ये है कि आप जब स्टेज से उतरते हो और आपको शाबाश मिलती है ना लोगों की, आपके प्रमोटर की, आपके लोगों की, तो वो आपकी जीत होती है। आपकी सूरत, आपका गेटअप, आपके कपड़े, ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं अगर आपका काम ज़ीरो। तो अगर काम आपका 100% है तो किसी चीज़ पे आपकी नज़र नहीं जाती। तो अल्लाह का मुझ पे करम ये हुआ, मालिक का, मेरी माँ की दुआ के, जब जाती थी तो जाहिर सी बात है डर होता था, नए लोग समझेंगे नहीं क्योंकि नई चीज़ थी, सियासत पे बात कर रहे थे, सियासत हर कोई दिलचस्पी नहीं लेता सियासत में ना, उन्हें क्या पता इमरान खान, उन्हें क्या पता जरदारी, घर के जो लोग हैं अमेरिका के लोग हैं वो उनको सियासत वैसे से कोई दिलचस्पी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन सबने पसंद किया। और फिर दूसरी बात ये, उन मर्दों के बीच में अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं था। आप भी मर्द हजरात सोच सकते हैं, क्योंकि वो मौका तो कहीं से भी जाने ना दिया जाए। तो अल्लाह का बहुत करम है, पूरी टीम अच्छी थी, और स्पेशली अज़ीज़, क्योंकि बाय रोड उसने हमें बड़ा भगाया अल्लाह मियाँ, हम लोग सन लुइस से शिकागो, शिकागो से फिर दोबारा सन लुइस, फिर डैलस, हम बाय रोड आए, और हम 24-24 घंटे की दो दफ़ा हमने ड्राइव की, तो वो लग रहा था हम पूरा पाकिस्तान, उतने में पूरा पाकिस्तान घूम लेते हैं। तो वो ही रात के अंधेरे में हमें लेके निकलता था, और बड़े ब्लंडर भी हुए, बड़े मज़े भी आए, और थोड़ा सा मुश्किल भी थी क्योंकि लोग ज़्यादा थे, लेकिन अच्छा सफ़र गुजरा, एक दूसरे का साथ पढ़ पढ़ा के अल्लाह का नाम लेके गए। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी अज़ीज़ की फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चे, तो अज़ीज़ से कई गुना ज़्यादा कहते हैं ना, उनकी जो फैमिली की जो मोहब्बत थी, उनके बच्चों का जो खलूस था वो बहुत अच्छा था। और जब काम ख़त्म हुआ, क्योंकि काम में होता है आप टेंशन होती है, 7 बजे तैयार हो जाना, जल्दी कर लेना, मैं किसी को दोबारा नहीं कहूँगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी जगह मेरे लिए ये नहीं हुआ कि लेट उठी या तैयार नहीं हुई, वक्त से पहले तैयार होने की आदत तो शोबिस में है शुरू से, तो वो रही मेरी। तो बाकी ये है, बाकी सब बहुत अच्छा अच्छा रहा, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और थैंक यू सो मच दुआएं देने के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से दुआ देते हैं। वही मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मेरे पास पता नहीं कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी प्रोफाइल खोल कर नहीं देखा, लेकिन जितने भी लोग हैं सब ने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। और हाँ 3:30 हो गए, लेकिन पाकिस्तान में 3:30 कुछ नहीं होते, लोग जाग रहे होते हैं अभी भी, लेकिन वही बात है, मोहब्बत देने वाले, पसंद करने वाले बहुत कम लोग थे, बल्कि यहाँ तक तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर कुछ अपने भी महबूब लोग आए हुए थे, प्यारे रिस्क माली टाइप के लोग, कि हमारे साथ ज्वाइन भी क्या आए, देखे, घूमे, लेकिन जब हम अलग हुए हैं तो एक ही जगह होते हुए भी बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पता भी नहीं कि हम लोग कहाँ हैं, तो ये भी होता है कभी कभी, और हमें वक्त सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, तो अल्लाह ने मुझे वो तमाम चीज़ें दी हैं जिसकी मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, तो मालिक तेरा लाख लाख शुक्र। क्योंकि आप इज्जत के साथ अगर काम करने जाते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अल्लाह ने कहते नहीं, माओ की दुआएं हैं, मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप की, मेरे पापा की, तो ये हो जाता है, जो नहीं भी चाहता तब भी वो भी हो जाता है। इससे बढ़ के क्या कहूँ, दुबई आऊँगी, आना था मुझे भी दुबई, लेकिन वो बस बीच में वो एक प्लान बन रहा था, फिर बना नहीं, लेकिन इंशाल्लाह देखो अगर वहाँ कोई ऐसा होगा या कोई ऐसा ट्रिप बनेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई ट्रिप नहीं बनाऊँगी ऐसा, क्योंकि बहुत थक गई, अंदर जा रही हूँ क्योंकि मैं चावल रख के आई थी, जरा देखूँ मेरे चावलों की पोजीशन क्या है, खराब होने तो। गरम हो ही गए, थोड़े से रह गए, मैं इसके बाद खाना खाऊंगी, आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहूँगी, और अपना ख्याल रखिएगा।
और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और यही है कि बस ज़िंदगी छोटी सी है, कोशिश करें अच्छे पल में गुजार लें। और अल्लाह से हमें बहुत मिलता है अगर हम शुक्र अदा करें, हमें इस फील्ड ने भी बहुत कुछ दिया अगर हम शुक्र अदा करें। बहुत से लोग आए और चले गए, उनका नामो निशान नहीं इतने सालों में। अगर आपका नामो निशान है और अल्लाह आपको नवाज रहा है, लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पे अल्लाह का ख़ास करम है। और अगर इम्तिहान ना हो ज़िंदगी में, अगर इम्तिहान ना हो, मुश्किलें ना आए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कौन है। तो हर रोज़ मेरा इम्तिहान होता है और हर रोज़ अल्लाह मुझे उस इम्तिहान से निकालता है। निकालने के बाद बस दोबारा से ऐसे इनाम देता है कि दिल खुश हो जाता है मेरा। चले मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये मेरा लास्ट डे है वर्जीनिया USA का, ये मेरा लास्ट ट्रिप है। बहुत जल्द नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सेटअप के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए लोकेशन के साथ ज़िंदगी रही तो, बशर्ते ज़िंदगी रही तो, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहता कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर आपको नई जगह घुमाऊँगी, ये मेरा वादा है। बेशक लोग मुझे उसमें आप लाइफ बोले, कुछ भी बोले, ये मेरी मोहब्बत है और ये आपको नज़र आती रहेगी। सबको गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार।